इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आपके प्रैक्टिकल लैब में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखते हो, जैसे कि पावर सप्लाई हो गया, जहाँ जो जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए। तो ये जो सभी पावर सप्लाई है, ये कहीं ना कहीं आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं। वैसे ही जैसे आप रोज़मर्रा के दिन में आप देखते हो कि आपके साथ मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके जो चार्जर्स है, ये भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर का पावर सप्लाई है, जिसे हम SMPS बोलते हैं, इसको यहाँ पे आपका वॉल सर्किट से 230 वोल्ट का AC सप्लाई लगता है। और फिर ये जो पावर सप्लाई है, इसको कन्वर्ट करके अलग अलग आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट को पावर सप्लाई देता है। तो यहाँ पे बेसिक इस पावर सप्लाई का काम क्या है कि रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पावर सप्लाई पावर को कन्वर्ट करके कंपोनेंट्स को देना। तो चलो देखते हैं कि बेसिक इसमें कौन से कंटेंट्स में क्या क्या है। कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखेंगे, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्लासिफिकेशंस क्या क्या होता है वो देखेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है देखेंगे, और आखिरी में देखेंगे कि कोर्स आउटलाइन क्या है। कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, ये बिलोंग करता है पार्टली आपके पावर इंजीनियर से और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से। तो ये जो दो डिसिप्लिनस है, इसमें जैसे कि अभी पावर इंजीनियरिंग है, इट्स कंसर्न विद द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट हाई एफिशिएंसी। मतलब कि पावर इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है, ये कंसर्न करता है किससे, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इज़ गाइडेड बाई डिस्टॉर्शनलेस प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन डाटा एंड सिग्नल्स ऑफ वेरी लो पावर लेवल। यहाँ पे ध्यान देना है कि एट वेरी लो पावर लेवल्स विदाउट मच कंसिडरेशन ऑफ इफिशियंसी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और बेसिकली देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होता है कि अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द अपेरेटस एंड इक्विपमेंट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट रेटेड एट पावर लेवल रैदर देन सिग्नल लेवल। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में जैसे ट्रांजिस्टर, ये सब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये जनरली किससे कंसर्न करते हैं कि इसके सिग्नल लेवल क्या है। लेकिन अगर अगर उसी को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में देखते हैं, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा उसके पावर लेवल को। तो आप देखोगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, उसमें हमेशा आपको उसके डिस्क्रिप्शन में पावर रेटिंग मिलेगा। तो चलो कंसेप्ट को और थोड़े डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सोर्स से पावर लेता है और उसी सोर्स को कन्वर्ट करके लोड को डिलीवर करता है। तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर डिफाइन किया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किटरी है जो कि आपके सोर्स से पावर लेगा और उसको कन्वर्ट करके लोड को देगा, बट इन द कंट्रोल्ड मैनर। तो सोर्स क्या है इसमें, सोर्स में दो तरीके से सोर्स आ जाते हैं, एक होता है AC और दूसरा DC। DC सोर्स में जैसे कि बैटरीज हो गए, दूसरी तरफ AC में और दो तरीके से पावर सोर्स आ जाएंगे। एक है सिंगल फेज, जिसमें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगा। दूसरा है थ्री फेज, जिसमें 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगा। उसी तरीके से अगर लोड देखा जाए, वो भी दो तरीके से रहेगा, DC लोड जैसे कि DC मोटर हो गया, AC लोड जैसे कि फैन हो गया, और अदर आपके होम अप्लायंसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये जो DC लोड और AC लोड जो है, इनका अपना अपना रिक्वायरमेंट रहेगा। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सोर्स को पावर सोर्स को कन्वर्ट करके देना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे काम है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले पावर
कंट्रोल द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। इसमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक काम क्या है, एक कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जैसे कि डायड हो गया, SCR हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट आ गया कि किस तरीके से आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आपके जो भी एनर्जी सोर्स है, पावर सोर्स है, उसको कन्वर्ट करके लोड को डिलीवर करता है। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं कि जैसे आपका मोबाइल चार्जर हो गया। अब मोबाइल चार्जर में देखोगे तो आपको ये इस तरीके से अडेप्टर दिखता है। अब इस अडेप्टर में ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर आपके वॉल सॉकेट में जो 230 वोल्ट सप्लाई है, एसी सप्लाई है, उससे कनेक्ट होता है। और फिर इस चार्जर का काम क्या है कि जो भी 230 वोल्ट यहाँ पे आपके वॉल सॉकेट से एसी सप्लाई आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को देना। तो यहाँ पे आपका बेसिकली इस कनेक्टर जो है आपके मोबाइल को कनेक्ट होता है। और इस अडेप्टर का काम क्या है, चार्जर का काम क्या है कि ये जो 230 वोल्ट है एसी सप्लाई, उसको कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को उसके रिक्वायरमेंट के जो भी 5 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, जो भी होगा, उसके हिसाब से, उसके रेटिंग के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके देना। तो अभी ये जो एडाप्टर है, इसके अंदर जो सर्किटरी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, दैट इज़ नथिंग बट आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है। अभी इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर आ गया, फिल्टर आ गए, रेक्टिफायर आ गए, बाकी चीज़ें आ जाएंगे। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट कंसर्न विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्लियर हो चुका है। फिर देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसा होता है। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, सबसे पहले जैसे कि आपका एनर्जी सोर्स आ गया, पावर सोर्स आ गया, और ये जो पावर सोर्स है इट में भी है एसी और डीसी सप्लाई। ये एसी सप्लाई हो सकता है या डीसी सप्लाई हो सकता है। फिर उसके बाद जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इट में भी है एसी और डीसी, इट में भी है वेरिएबल एसी और वेरिएबल डीसी, और इट में भी है फ्रीक्वेंसी आल्सो, वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो। तो ये जो लोड का जो भी लोड रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट, जो भी आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगा। फिर दूसरा फीडबैक। मान लो कि यहाँ पे आपका रोटेटिंग मशीन है, तो फीडबैक में आपको इसका स्पीड क्या है ये मेजर करना है, फीडबैक सर्किट का काम है। और ये जो भी स्पीड है रोटेटिंग मशीन का, उसके स्पीड को मेजर करके यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को देना। अब कंट्रोल सर्किट में देने के बाद ये जो डिजिटल सर्किट है क्या करेगा कि जो भी कमांड लाइन से जो भी डाटा है उससे कंपेयर करेगा, और फिर कंपेयर करने के बाद अगर स्पीड कम ज़्यादा जो भी करना है कंपेयर करने के बाद आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देगा। यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यहाँ पे देगा, और फिर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी आपका मेन पावर सोर्स है उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, ये डिपेंड करेगा कि इसको स्पीड को कम करना है कि ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किस तरीके से। सो बेस्ड ऑन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और साथ में गेट सिग्नल रिक्वायरमेंट, बेसिकली देखा जाए तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डायोड, देज आर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफाइंग डिवाइसेस, देयर ऑन एंड ऑफ स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय पावर सप्लाई। तो ये जो है डायोड जो है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफाइंग डिवाइसेस है, और इनका जो भी टर्निंग ऑन होना है, ऑफ होना है, वो जो स्टेट किससे डिपेंड करता है कि पावर सप्लाई से, वो पावर सप्लाई उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ करेगा। दूसरा है थायरिस्टर्स, देज हैव कंट्रोल टर्न ऑन बाय अ गेट सिग्नल, ये जो है गेट सिग्नल से कंट्रोल किया जाता है। आफ्टर थायरिस्टर्स आर टर्न ऑन दे रिमेन लैस्ड इन वन स्टेट ड्यू टू इंटरनल
रिजनरेटिव एक्शन, इंटरनल रिजनरेटिव एक्शन के वजह से ये जो है अगर एक स्टेट में रहा, टर्न स्टॉट में रहा, तो उसी स्टेट में ये रिमेन रहेगा, उस स्टेट में रहेगा। तीसरा है कंट्रोलेबल स्विच, दिस डिवाइसेस आर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। इसको कंट्रोल सिग्नल के एप्लीकेशन के से इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ जो है उसको हैंडल किया जाता है। द डिवाइसेस विच बिहेव एज अ कंट्रोलेबल स्विचेस आर BJT, MOSFET, फिर GTO, SITH, IGBT, फिर SIT और MCT, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसका अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो इसका बहुत डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको नज़र आएगा, जैसे कि एरोस्पेस में स्पेस शटल के लिए पावर सप्लाईज लगेंगे, सैटेलाइट में पावर सप्लाई लगेंगे। दूसरा है कमर्शियल में, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इस तरीके से। इंडस्ट्रियल में जैसे कि ब्लोअर्स हो गए, फैंस हो गए, पंप्स, कंप्रेसर्स आदि। फिर रेसिडेंशियल में बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे, कुकिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, इलेक्ट्रिक डोर ओपनर्स हो गए, फैंस हो गए, वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग एंड सेविंग मशीन्स हो गए, ये सभी आ जाएंगे। फिर कम्युनिकेशन में देखोगे तो बैटरी चार्जर्स, पावर सप्लाईज। फिर ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्ट्रीट कार्स एक्सेट्रा। और फिर यूटिलिटी सिस्टम्स में जैसे कि HVDC हो गया, और फिर स्टैटिक सर्किट ब्रेकर्स हो गए, सप्लीमेंट्री एनर्जी सिस्टम हो गया, सोलार वाइंड सिस्टम्स हो गए, ये सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कोर्स आउटलाइन किस तरीके से है। तो यहाँ पे 5 यूनिट है। पहला है यूनिट पहला पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूनिट 2 है थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस, यूनिट 3 है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ थायरिस्टर, यूनिट 4 है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, यूनिट 5 इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट्स। तो पहला जो यूनिट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका IGBT पावर ट्रांजिस्टर और MOSFET, ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनके कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और VI करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाएगा, इसके यूजेज एप्लीकेशंस क्या क्या हुआ जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 जो है थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस में, इसके SCR के बारे में, SCR माउंटिंग एंड कूलिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ थायरिस्टर जैसे कि SCR, GTO, UGT, PUT आदि। थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस उसके सिंबल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सब आ जाएंगे। और प्रोटेक्शन सर्किट्स, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया आदि इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ थायरिस्टर, इसमें SCR का टर्न ऑन मेथड्स देखेंगे, गेट ट्रिगर सर्किट, SCR ट्रिगर्ड यूजिंग UGT, PUT, पल्स ट्रांसफार्मर एंड ऑप्टो कपलर बेस्ड ट्रिगरिंग, फिर SCR टर्न ऑन मेथड्स, ये सभी इसमें आ जाएगा। फोर्थ यूनिट है फेज कंट्रोल क्या होता है देखेंगे। उसके बाद फेज सिंगल फेज, हाफ कंट्रोल, फुल कंट्रोल एंड मिड पॉइंट कंट्रोलर रेक्टिफायर विथ R एंड RL लोड देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर्स यहाँ पे देखेंगे। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट्स, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि बर्गलर अलार्म सिस्टम, बैटरी चार्जर यूजिंग SCR, इमरजेंसी लाइट सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR, और उसके साथ साथ फैन स्पीड कंट्रोल यूजिंग ट्रैक, और फिर SMPS और UPS के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।